रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बुलंद करें। अभी तक 40 बच्चे मर चुके हैं माननीय मंत्री जी का, तो उनका तो कहना ही क्या, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दो रोड के खराब होने की वजह से पिछले 18 साल से ये नहीं बना है, और नहीं बनने के वजह से इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ बदल सकता है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए किस तरह दर दर की ठोकरी खानी पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वानगी हमारे पास मौजूद हैं। तकरीबन 350 किलोमीटर चलकर ये तमाम लोग राजभवन पहुंचे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इनके गांव के 15 किलोमीटर की सड़कें जो है अब तक नहीं बन पाई है, और इस सड़क नहीं बनने की वजह से अब तक 40 गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही बच्चों की मौत हो चुकी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इनके पास जो एक कागज़ का पुलिंदा है उसमें 15,000 लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ एक सबूत है जो कि राजभवन तक लेकर पहुंचे हैं, इनसे ही जानते हैं। अमित जी, ये बताइए, क्या लगता है कि सिस्टम इसी तरह से काम करता है? जो सच्चाई आप आज लेकर आए हैं, राजभवन तक क्यों पहुंचे? 350 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करके आप यहाँ पहुँचे, क्या कोई नहीं सुना वहाँ पर? हम लोगों ने सबको लिखित में दिया हुआ है, रिटर्न में एप्लीकेशन दिया हुआ है 19 अधिकारी को, 15,000 ग्रामीणों का सिग्नेचर के साथ, 29 ग्राम सभा करने के बाद गांव के मुंडा मुखिया का सिग्नेचर के साथ हम लोगों ने सबको लिखित में दिया हुआ है, डीसी सर को भी दिया हुआ है, आरईओ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है, हमारी माननीय विधायक को दिया हुआ है, एमपीजी को दिया हुआ है, पुलिस अधीक्षक को दिया हुआ है, सबको हम लोगों ने दे दिया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया। हम लोगों ने फॉलोअप भी किया हर जगह जाके, लेकिन क्या हुआ, रोड डिपार्टमेंट हमें उलझा रही है, इधर से उधर घुमा रही है, और वो हमें मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो हमें दौड़ाना चाहती है, और हम लोग थक हार के, क्योंकि हम लोग बाहर जॉब करते हैं, थक हार के अपना प्रयास छोड़ दें, लेकिन हम लोग ये जिद बना लिए हैं, इसको एक आंदोलन का हम लोगों ने रूप दे दिया है, सड़क निर्माण जन आंदोलन, और इसमें करीब 30,000 ग्रामीण जुड़ चुके हैं, और अभी हमारे पास 15,000 ग्रामीणों का सिग्नेचर है, और हम लोगों ने इसमें 25 गांव के लोग इसमें कनेक्टेड हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोड बने, अगर रोड नहीं बनेगा तो यह आंदोलन और उग्र होगा, और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं 7 फरवरी को हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं, कहाँ की ये सड़कें हैं जो नहीं बन पा रही? मेरा नाम अमित महतो है, मैं पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के सोनवा प्रखंड से आया हूँ। इसमें दो रोड हैं जो दो ब्लॉक को टच करते हैं, सोनवा और गोयलकरा। एक रोड है आपका सोनवा मोहल्डिया चौक से लेके कुईड़ा, जो करीब 7.5 किलोमीटर के आसपास है। दूसरी रोड है मोहल्डिया, दूसरी जो रोड है वो आरियो कुईड़ा रोड बिनका चौक से लेके नायक टोला होते हुए भारलुंगी ससिकेला से होते हुए 13 तक कनेक्ट करती है। इसमें करीब आसपास के 25 गांव कनेक्टेड हैं इन दोनों रोड में, और इसमें जो हमारी गरीब जनता है वो जैसे दातुन बेचती हैं, पत्ता बेचते हैं और अपनी गुजर बसर करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन दो रोड के खराब होने की वजह से पिछले 18 साल से ये नहीं बना है, और नहीं बनने के वजह से इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। एम्बुलेंस को कॉल करो, गवर्नमेंट एम्बुलेंस को 108 को सीधे सीधे मना कर देते हैं कि आपके गांव एम्बुलेंस नहीं जा सकते हैं। तो इस साल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी महिलाओं को हो रही है, गर्भवती महिलाओं को हो रही है। अभी तक 40 बच्चे मर चुके हैं, और इससे भी बहुत सारे हो सकते हैं जो अभी मरे हुए होंगे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन 40 का भी गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको कब ये लगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें आगे आना चाहिए, तब एक जन आंदोलन बनेगा और तभी जाकर कि ये समस्या दूर हो सके? मैं पहले वंस इन ए ईयर आता था घर, और दो दिन के लिए आता था मैं घर। जब अभी पापा की तबीयत ख़राब हुई तो मैं आया, तो मुझे खुद फील हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे पापा को कुछ डिजीज़ था, कुछ प्रॉब्लम था, जिसके वजह से उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो ख़राब रोड की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ हुई हॉस्पिटल ले जाने में। जब हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी तकलीफ हुई, तब हम लोगों ने इसको ग्राम सभा करते हुए सबसे पूछा, क्या आप लोग को भी इस तरह का तकलीफ होता है क्या, जो मुझे फील हुआ।
तब मैंने पाया कि पूरे ग्रामीण जनता इससे त्रस्त हैं और उन्होंने बहुत बार रिटर्न में भी लिख के विधायक महोदय जी को और अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। ऑनलाइन भी उन्होंने इसका फॉर्म भरा हुआ था कि हमारा रोड खराब है और इस रोड को बना दिया, पिछले 18 साल से नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसीलिए हम लोगों ने ये अप्रोच करने का जो तरीका है गवर्नमेंट को, उसको थोड़ा बदल दिया, क्योंकि आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंगली जो ग्राम सभा का महत्व है उसको हम लोगों ने संविधानिक तरीके से ग्राम सभा किया। करीब 29 ग्राम सभा 25 गांव में हम लोगों ने किया और उसके बाद 15,000 लोगों का, ग्रामीणों का सिग्नेचर के साथ, मुंडा मुखिया का सिग्नेचर के साथ हम लोग, हमारे जो भी डेवलपमेंट अधिकारी हैं, BDO, CEO, MLA, MP, PWD, आपका RE जो रोड डिपार्टमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, सबको हम लोगों ने लिखित में दिया, लेकिन कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसीलिए हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि 7 तारीख को हम लोग, 7 फरवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे शांतिपूर्वक तरीके से, अगर उस ये सोनवा प्रखंड में हम लोग देंगे। अगर उस टाइम भी अगर नहीं होता, धरना देने के बाद भी अगर सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है, तो हम लोग नेक्स्ट वोट का बहिष्कार करेंगे। आपने पढ़ाई कहाँ से पूरी की और कहाँ तक? मैं दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा और मेरी कंपनी का भी नाम नहीं लूँगा कि मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं दिल्ली से अपना पढ़ाई पूरा किया हूँ और मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में अभी कार्यरत हूँ। और अभी वर्क विधायक कौन है? माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी हैं। वो तो ट्रैक्टर पर चढ़ के जनता तक पहुँचती है, फिर भी आप लोगों की बात कैसे नहीं? वो शायद अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और शायद इन रोडों के लिए भी वो प्रयास अभी भी कर रही होंगी, बट हम लोग जनता हैं, हम लोग चाहते हैं अगर जनप्रतिनिधि के बातों को अगर कोई आगे नहीं सुन रहा है तो हम लोग जनता उनका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। और 15,000 सिग्नेचर के साथ हम लोग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे इस बात को ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से आप मिलने की कोशिश की या मुख्यमंत्री तक ये अपनी बात पहुँचाई है? हाँ, 4 जनवरी और 7 जनवरी को हम लोगों ने CM ऑफिस में बात किया था, मिलने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन हम लोगों ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया क्योंकि उसी दिन 7 जनवरी को हम लोगों ने माननीय विधायक जी से मिले और सबसे पहले मैं उन्होंने मुनि को दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलिए आपके लीडरशिप में हम लोग CM सर से मिलेंगे और ये प्रॉब्लम को बताएंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। एटलीस्ट अभी अगर 21st सेंचुरी में, आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, अगर गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चा इसलिए मर रहा है क्योंकि रोड नहीं है या फिर एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तो इससे बड़ी दुखद और कुछ नहीं हो सकती। फिर झारखंड अलग हम लोगों ने क्यों लिया? तब तो बिहार में ही ठीक थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं साल में एक बार जरूर आता हूँ, मैं कभी इतना खराब रोड नहीं देखा था। बारिश में आप पैदल नहीं चल सकते, बाइक से नहीं जा सकते, ग्रामीण जनता के पास और क्या है साधन? 4-व्हीलर तो है नहीं उनके घर में। आपके जैसे पढ़े लिखे लोग और कितने लोग आपको साथ दे रहे हैं, क्या और हैं वहाँ पर? इसमें पूरा यूथ जुड़ चुका है, इवन वेस्ट पश्चिम सिंहभूम के बाहर के यूथ भी हम लोग से जुड़ चुके हैं जो बाहर रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी मेरे मित्र हैं जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और हम लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हर ग्रामीण से 1 किलो चावल, 1 आलू, 1 प्याज और 10 रुपये का सहयोग राशि मांगा है। कोई पॉलिटिकल नेता को यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे हम लोग, ग्रामीण जनता मिलके इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और हम लोग से बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट, हम लोग कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो रिजर्व कोटा में तो कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग बस इतना ही डिमांड है कि आप हम लोग का रोड बना दो जो हम लोग का बेसिक सुविधा है। ग्रामीण जनता एक साबुन भी खरीदती है तो टैक्स देती है, तेल भी खरीदती है तो टैक्स देती है, गवर्नमेंट लेकर टैक्स का क्या करती है? वहीं के मुखिया जी भी हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या लगता है कि ये समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? सर, मेरा नाम दिनेश चंद्र भाई है, गोविलकरा प्रखंड कुड़ा पंचायत का मुखिया हूँ, फिलहाल 5 वर्ष हो गया है। देखिए, ये समस्या काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, कम से कम 18 वर्ष पहले ये रोड बनी थी सोनवा से कुड़ा, जो 2 प्रखंड को टच करती है, एक सोनवा, एक गोविलकरा प्रखंड, और वहाँ की आबादी लगभग कम से कम 10-15 हज़ार लोग उस रोड का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ मैक्सिमम लोग गरीब हैं जो दत्तवन बेच कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लकड़ी बेचते हैं और मैक्सिमम जंगल एरिया है तो ये सब हमारे जीविकोपार्जन का साधन है। उन तमाम लोग किसी को बोल नहीं पाते। आप अपने स्तर से नहीं बना पाए? सर, ये तो अपने स्तर से हम कैसे बना पाएंगे, ये तो आप भी जानते हैं हमारे पावर क्या है। पहले 5 लाख का पावर दी थी सरकार, अब 2.5 लाख कर दिया, जबकि बढ़ना चाहिए घटा दिए। स्थानीय प्रतिनिधि नहीं सुनते आप लोग? स्थानीय प्रतिनिधि देखिए 15-20 साल से उन्हीं का राज है, ये जानते हैं, वहाँ से आगमन होता है लेकिन कभी प्रयास ही नहीं किया। पुलिस विभाग ये प्रयास कर रही है उस रोड को बनवाने को 60 में कम कर दिया। क्या ग्राम सभा सबसे बड़ा माना जाता है झारखंड में? आप लोग इतना ग्राम सभा कर चुके हैं, इतने लोग आप लोगों के साथ हैं, तो कभी सरकार तक आप लोगों ने डायरेक्ट बात पहुँचाने की कोशिश? देखिए सर, ग्राम सभा तो हम लोग किए, जो
मीडिया है, मीडिया भाई लोग भी साथ दिए पेपर के माध्यम से, लेकिन सरकार के तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? जो संबंधित अधिकारी है उन्हीं से के पास जाएंगे ना, वीडियो के पास जाए, उन्होंने अपना काम एक लाइन में खत्म कर दिया, हम लोग का लेटर के अगेंस्ट उसका लेटर लेकर अपने बड़े अधिकारी को लिख दिया, काम खत्म। फिर हमने डीसी साहब के पास चले गए, उन्होंने भी अपना काम कर दिया, संबंध विभाग को चिट्ठी लिख दिया, काम खत्म। संबंध विभाग के लोग हमारे पास रोड का मुआवजा ना किए फिर चले गए, लेकिन सही आश्वासन, सटीक आश्वासन किसी ने नहीं दिया। और रही बात हमारे माननीय मंत्री जी का, तो उनका तो कहना ही क्या, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एसी में बैठने का आदत हो गया। आप उनसे जय ना, अपने विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर से नदी पार करते हैं और कहते हैं लोगों को कि हमने ट्रैक्टर से नदी पार किया, ये किसको दिखा रहे हैं? ये तो उसका विकास का पता चल रहा है कि वो कितना विकास किया अपने क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी भी खूब तारीफ किए थे कि हमारे मंत्री ट्रैक्टर से जनता तक पहुंचे। देखिए ये तो अब क्या कर सकते ना, ट्रैक्टर से जनता तक जा रही है, लेकिन फैक्ट चीज ये है उन्होंने इतने साल में कभी रोड नहीं बनाया, पुलिया नहीं बनाया, तो मजबूरी में क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा आंदोलन करते रहेंगे, अगर संभव ये भी होगा रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बुलंद करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, रोड बनवा के छोड़ेंगे। तो ये आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है और सड़क बनाने के लिए लोगों को राजधानी रांची तक पहुंचकर संघर्ष करना पड़ रहा है। नीचे स्तर के प्रशासन के लोग क्या करते हैं इसी से आप समझ सकते हैं, ना विधायक सुनते हैं, ना मंत्री सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं, आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।